ये रेस जिंदगी की रेस है, किसी की जिंदगी लेके ही खत्म होगी। क्या अक्षय कुमार हटाए गए फ्लॉप की वजह से क्या चोरी की कहानी होगी हॉलीवुड में भी मशहूर? क्या धूम 4 बनेगी बॉलीवुड की वापसी? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं पॉलीग्रैड स्टूडियोज में। बॉलीवुड के खिलाड़ी कहे जाने वाले अक्षय कुमार इन दिनों अपने खेल दिखाने में लगातार असफल होते जा रहे हैं। उनकी लगातार सभी फिल्में फ्लॉप हो रही हैं या फिर उनके फिल्म से बाहर होने की खबरें आती हैं। हाल ही में आई भूल भुलैया के सीक्वल में हमें अक्षय कुमार की जगह कार्तिक आर्यन दिखाई दिए। ऐसे में बात करें फिल्म धूम 4 की, तो इसके अंदर भी हमें खिलाड़ी कुमार दिखने वाले थे, पर उन्होंने अपनी एंट्री पर साफ इनकार कर दिया। पर उनके बावजूद लोगों को उम्मीद थी कि अक्षय हमें फिल्म में सरप्राइज एंट्री लेते हुए दिखाई दे सकते हैं, पर करंट सिचुएशन को देखते हुए लगता है शायद अब वो हमें फिल्म से परमानेंट बाहर जाते हुए दिखाई दें। क्योंकि जैसा कि वीडियो की शुरुआत में हमने आपको बताया, अक्षय कुमार को अपनी सभी फिल्मों में लगातार निराशा मिल रही है, जिसके चलते कई फिल्म मेकर्स ने अक्षय को अपनी फिल्म की कास्टिंग से निकालना शुरू कर दिया है। यहां तक कि सम्राट पृथ्वीराज के लिए भी मेकर्स ने फ्लॉप का बिल अक्षय के ऊपर फाड़ा। उन्होंने बताया कि अक्षय साल में 4 फिल्में करने के चक्कर में एक भी फिल्म पर ठीक से ध्यान नहीं देते। ऐसे में इस स्टेटमेंट के बाहर आने के बाद लगता है कि अक्षय कुमार के अभी हमें और बुरे दिन देखने को मिल सकते हैं। धूम फ्रेंचाइजी बॉलीवुड की एक सफल फ्रेंचाइजी में से एक है, जिसके अब तक 3 पार्ट लोगों को देखने को मिल चुके हैं और 4th पार्ट भी लोगों को जल्दी ही देखने को मिल सकता है। फिल्म में इस बार हमें कहानी में कई बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं और माना ये भी जा रहा है कि इस बार की रोबरी सबसे बड़ी चोरी होने वाली है। ऐसे में हमें चोर की कहानी हर जगह देखने को मिल सकती है। जैसे कि आप सभी को पता है कि पिछले सभी पार्ट्स के अंदर हमें मेन प्रोटोगनिस्ट की शक्ल किसी भी न्यूज में देखने को नहीं मिलती। हर बार चोर पतली गली से भाग जाता है या भगाया जाता है, पर इस बार हमें इसमें एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिल सकता है। कहानी को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मेकर्स इस बार प्रोटोगनिस्ट का चेहरा फिल्म के अंदर फेमस करते हुए दिखाई दे सकते हैं, जिससे चोर की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। बॉलीवुड के मौजूदा हालात से भी अब सभी वाकिफ हो चुके हैं। साउथ की फिल्मों ने बॉलीवुड की सभी फिल्मों को पीछे कर रखा है और बॉलीवुड के लिए ये समय काफी बुरा चल रहा है। खासकर कोरोना के बाद से तो सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर वो कमाल करने में कामयाब होती बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही हैं। ऐसे में धूम 4 बॉलीवुड की वापसी का एक मात्र जरिया बन चुका है। जैसे कि हमने बताया, धूम 4 फ्रेंचाइजी यशराज और बॉलीवुड की एक सफल फ्रेंचाइजी में से एक है। ऐसे में फिल्म के 4th पार्ट से लोगों को भी काफ़ी उम्मीदें रहती हैं और लोग हर समय फिल्म के लिए एक्साइटेड रहते हैं। और अगर फिल्म का 4th पार्ट आज रिलीज होने की खबर भी सामने आ जाए तो लोग साउथ को और बाकी सभी फिल्मों को भूलकर एक्साइटमेंट में दिखाई दे सकते हैं। ऐसे में ये कहना बिल्कुल सही होगा कि फिल्म धूम 4 बॉलीवुड को अपनी जगह वापस से दिला सकती है। आपको क्या लगता है, क्या फिल्म में अक्षय का रोल बनेगा सरप्राइज एलिमेंट या फिर होगा फिल्म को अक्षय से नुकसान? कमेंट्स में बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।